बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लेके हैं आपके लिए बहुत ही क्विक, इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, स्मैश्ड चिकन टैकोस विद रेलिश सॉस। तो इसका हम सॉस रेडी करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा और इजी सा, और साथ साथ हम ये टैकोस रेडी करेंगे जिन्हें आप पीटा ब्रेड से या नॉर्मल चपाती से भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने खीरा ले लिया है और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो एक खीरे का बेसिकली बनता है रेलिश सॉस, और इसमें हम डाल देंगे, हल्का हल्का ग्रेट कर देंगे इसमें अदरक और लहसुन। तो एक छोटा पीस हमने अदरक का ले लिया है, इसे इस तरह से इसमें ग्रेट कर देंगे। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर और गार्लिक का पाउडर। तो ये हम ये फ्रेश इसमें ग्रेट करके डाल रहे हैं खीरे के साथ। तो ये हमने 3-4 गार्लिक की क्लोव्स ले ली हैं और इन्हें भी इस तरह से हम इसमें ग्रेट कर देंगे। तो ये फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो या तो आप पाउडर फॉर्म में डालें या इस तरह से फ्रेश ग्रेट करके डाल दें। अब इसमें हमने डाल दिए इसमें 1 टीस्पून ब्राउन शुगर। आपके पास नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा खट्टा मीठा सा सॉस रेडी होता है। और इसमें हम डाल देंगे अब 2 टेबल स्पून मायनीज। तो इसमें ज़्यादा सी मायो डाल दें आप, और ये देखिए मायो डाल के इसमें हम डाल देंगे ये टोमेटो सॉस। तो ये 1 टीस्पून इसमें हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है। बस अब थोड़े से स्पाइसेस में हम डालेंगे और हमारा ये सॉस रेडी है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ये तंदूरी मिर्चें। तो ये तंदूरी रेड चिली पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस सा सॉस रेडी है। अब 1 बोल हमने ले लिया चिकन मिन्स, इसमें डाल दिया हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज फाइनली चॉप कर ली थी 2 हरी मिर्चों के साथ, वो इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से आप इसे फाइन चॉप कर लें। और इसके साथ साथ हमने एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसे भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया था। चिकन मिन्स की क्वांटिटी आप इतनी लें कि जितने आपको टाकोस रेडी करने हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इसमें सब चीज़ें आप बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके डालें। और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कि सब मसाले वगैरह अच्छे इसमें मिल जाएं, टमाटर प्याज। और अब ये देखिए हमने ले ली है ये पीटा ब्रेड, जिसकी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल चपाती वगैरह भी ले सकते हैं। और ये इस पर हम लगा देंगे अच्छे से, इसे हल्का हल्का इस पर स्प्रेड कर देंगे चिकन के साथ। तो अब इसे हमें पकाना है, और ये बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि चिकन मिन्स वैसे ही सॉफ्ट होता है, तो ये आराम से पैन में पक जाएगा। तो बस अच्छी रेसिपी है, सिंपल सी, इजी सी और मज़ेदार सी। तो बस ये इसके साथ लगा लेंगे आप। इसमें आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे और स्पाइसी बना सकते हैं, चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर और ज़्यादा इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए जितने भी आपको रैप रेडी करने हैं तो उस पर सब पे आप ये अच्छे से स्प्रेड कर लें चिकन मिन्स, ये देखिए। और इसमें आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह डाल सकते हैं, तो इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम 3 बना रहे हैं पीटा ब्रेड की, तो हमने इन सब पे ये चिकन मिन्स लगा लिया। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून ऑयल, और ये देखिए ये ले लेंगे अपना हम रैप, और इसे इस साइड से पका लेंगे अच्छे से। तो इसे कुक कर लेना है, ये 4-5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा, बस स्लो हीट पे आप इसे अच्छे से पका लें। तो ये देखिए इस पर हमने लगा दिया है, और इसे प्रेस करते हुए हम अच्छे से कुक कर लेना है। मेक श्योर कर लें कि आपका चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो ये थोड़ी सी देर में ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। जितनी देर में टमाटर प्याज सॉफ्ट होंगे, इतनी देर में ही ये चिकन का कीमा इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस ये देखिए अच्छे से इसे हमने कुक कर लिया है। अब जब ये साइड से अच्छे से पक जाए तो इस पर हम डाल देंगे चीज़। तो आप इसमें चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ वगैरह कोई भी इसमें क्वालिटी का आप चीज़ डाल दें। तो ये देखिए हमने इसमें चीज़ डाल दिया है, अच्छा सा इस पर आप चीज़ लगा दें, ये देखिए। और इसे हम थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए सिर्फ कुक करके मेल्ट करेंगे। इतनी देर इसे आपको कुक करना है कि इसमें ये चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए बहुत डिलीशियस से हमारे चिकन टैकोस रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सब रेडी कर लेंगे। तो ये सेकंड भी हमने इसमें डाल दिया है, और जैसे ही सॉफ्ट हुआ तो हमने इस पर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर दिया है। आपके पास चीज़ स्लाइस के फॉर्म में हो तो आप वो भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और ये देखिए
और इसे भी इसी तरह से एक दो मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए रेडी हो गए, ये देखिए इनके ऊपर हमने जो सॉस रेडी करा था रेलिश सॉस वो लगाएंगे। और ये बहुत डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉस के साथ इसका और टेस्ट आता है। और इसमें हम लगा लेंगे इस तरह से वेजीज, तो ये हमने खीरे और गाजर के स्लाइस लिए हैं, इन्हें इस तरह से इस पर लगा देंगे। टमाटर डाल दें आप, इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं अपनी चॉइस से। और ये देखिए हमारे बहुत डिलीशियस से स्मैश्ड चिकन टाकोस रेडी हैं विद सॉस, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉस के साथ इसका मज़ा और बढ़ जाता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात करते हैं, खुदा हाफिज़।